पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की है। इन राज्यों में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह बना पार्टी का घोषणा पत्र। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने ऐसे ऐसे लुभावने वादे किए कि जनता ने सत्ता की चाबी उसके हाथ सौंप दी, जिनमें से एक था 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा। लेकिन ये वादा पूरा होगा या नहीं, इस पर अब सवाल उठना शुरू हो गया है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए इसके पीछे की वजह भी जान लेते हैं। दरअसल राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने सोमवार को सदन में सवाल पूछा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने का वादा किया, क्या केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश के बाकी राज्यों में भी ऐसा करने की सोच रही है। इन सवालों का जवाब देते हुए पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने सदन में कहा कि भारत सरकार की ओर से राजस्थान में LPG सिलेंडर देने की घोषणा नहीं की गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या फिर राजस्थान में 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा बीजेपी पूरा कर पाएगी या नहीं। आपको बता दें कि राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। इन दोनों राज्यों के अलावा बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने में कामयाब रही। विधानसभा चुनाव में किए गए वादों की गूंज अब संसद तक पहुँच चुकी है और इन वादों को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अभी 603 रुपए में LPG सिलेंडर मिल रहा है, यानी 450 से 153 रुपए ज्यादा। अब ये वादा पूरा होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि अब तक राज्य सरकारों ने इस संबंध में कोई भी बयान नहीं दिया है। अगर राज्य चाहे तो वो 450 रुपए में LPG सिलेंडर दे सकती है। राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए अपनी तरफ से सब्सिडी बढ़ानी होगी। आपको बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीन राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाई है, जिसमें मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए हुए मतदान में से बीजेपी को 163, कांग्रेस को 66 और अन्य के खाते में 0 सीट गई। वहीं बात अगर राजस्थान की करें तो राज्य की 199 सीटों पर हुई वोटिंग में बीजेपी ने जहां 115 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, तो वहीं कांग्रेस महज 69 सीटों पर सिमटी और अन्य के खाते में 2 सीटें आई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 54 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, वहीं कांग्रेस के खाते में 35 सीटें आई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।